नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान खबरों के इस YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे सप्ताह भर की सबसे बड़ी 5 खबरें। तो चलिए करते हैं सिलसिला शुरू। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। देश भर में लोकसभा चुनावों के चलते राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही है। बीजेपी ने अपने 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इनमें से 14 पुराने सांसद ही हैं और 2 नए उम्मीदवार हैं और इनमें से 4 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। दूसरी बड़ी खबर ये है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राजग सरकार विफल रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के सारे आंकड़े यही बता रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर ये है कि पूर्व विधायक दिया कुमारी को भाजपा ने इस बार टिकट नहीं दिया है। माना जा रहा था कि वो जयपुर से दावेदारी लड़ेंगी, लेकिन भाजपा ने अपने 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है और उसमें दिया कुमारी का नाम नहीं है। बात करें चौथी बड़ी खबर की, तो बीजेपी की तरह जल्दी ही कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। शनिवार को ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली से लौटे हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और उम्मीदवारों के नामों को लेकर और चुनावों को लेकर चर्चा की। सप्ताह की आखिरी बड़ी खबर ये है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के निधन पर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने शोक प्रकट किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी उनके निधन पर शोक प्रकट करते हुए संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो ये थी इस सप्ताह की सबसे बड़ी खबरें। मिलते हैं अगले सप्ताह फिर से 5 बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।